नमस्कार बच्चों, हमने आई में उसके सीलरी बॉडी, सीलरी मसल्स, कॉर्निया यहाँ तक देख लिया था। इसके बाद इसका जो लास्ट वीडियो है उसमें क्या हमको देखना है कि देर आर एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ द आई बॉल इंसर्टेड अपॉन द स्क्लेरोटिक कोट। जो मैंने आपको बताया था स्क्लेरोटिक कोट क्या होता है, जो वाइट ऑफ द आई है वो होता है। यहाँ पर एक्सट्रेंसिक मसल्स रहती हैं आई बॉल की और ऑल्सो सेवरल ब्लड वेसल्स एंड द ऑप्टिक नर्व पियर्सिंग द कोट। कई सारे ब्लड वेसल्स भी इसके से जाते होते हैं और एक ऑप्टिक नर्व होती है जो कोट को पियर्स करके आगे की तरफ जाती है। आपने देखा होगा कि इसमें कई बार लाल कलर की हम देखते किसी की आंखों में एकदम ब्लड वेसल्स जो हैं वो थोड़ी से दिखने लग जाते हैं। अगर आप बहुत देर तक नहीं सोए हैं या आपकी आईज़ जो हैं वो काफ़ी प्रेशर में काम कर रही हैं तो रेड कलर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो नॉर्मली वाइट आई है उसमें दिखने लग जाते हैं। दैट मीन्स और ऑप्टिक नर्व भी पाई जाती है इसके अंदर। तो जो कोरोइड और द स्क्लेरोटिक कोट है दैट कंस्टिट्यूट्स दी ऑप्टिक कैप्सूल, ऑप्टिक कैप्सूल को बनाने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिक कैप्सूल किन किन का बना होता है तो कोरोइड और स्क्लेरोटिक कोट का बना होता है। स्क्लेरोटिक पोर्शन ऑफ द कैप्सूल में भी कार्टिलेजिनस इन लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स में ये जो स्क्लेरोटिक कैप्सूल है ये कार्टिलेजिनस हो सकता है, कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है। पर रेप्टाइल्स और बर्ड्स में बोनी स्क्लेरोटिक प्लेट्स आर एम्बेडेड इन द स्क्लेरा। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देर आर बोनी स्क्लेरोटिक प्लेट्स, लेकिन रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी स्नेक और क्रोकोडाइल को छोड़कर सभी में बोनी स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि स्क्लेरा में एम्बेडेड होती हैं, घुसी हुई होती हैं। अदर वर्टिब्रेट्स में जो और हायर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो स्क्लेरोटिक कैप्सूल है दैट रिमेन्स फाइब्रस, जैसे कि हमारे अंदर या हमसे जो नीचे वाले मैमल्स हैं उनमें जो स्क्लेरोटिक कोट है या जो कैप्सूल है दैट रिमेन्स फाइब्रस, फाइबर का बना होता है। तो ओवरऑल रिमेन्स मूवेबल विद इन इट्स सॉकेट बिकॉज द ऑप्टिक कैप्सूल डज नॉट फ्यूज विद द रेस्ट ऑफ द स्कल। ओवरऑल जो है दैट रिमेन्स मूवेबल विद इन द सॉकेट। सॉकेट जो होता है आई बॉल का जो सॉकेट होता है, आपने देखा होगा कभी स्केलेटन को हम देखते हैं तो वहाँ पे दो सॉकेट्स होते हैं आई बॉल की जगह, वहाँ पर ये मूवेबल रहता है, मतलब ये हिलने डुलने के लायक होता है क्योंकि इट इज़ नॉट फ्यूज्ड विद द रेस्ट ऑफ द स्कल। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्किन विच कवर्स द एक्सपोज सर्फेस ऑफ द आई बॉल इज नोन एज द कंजक्टिवा। आपने देखा होगा कई बार लोगों को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उनकी जो आउटर मोस्ट जो स्किन है स्क्लेरोटिक कोट को जो कवर कर रही है, स्क्लेरा को जो कवर कर रही है, जो सफ़ेद वाली जो आई बॉल है उसको कवर कर रही है, इसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। और इसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरी लाल हो जाती है और आँखें बिल्कुल लाल सी हो जाती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द कंजक्टिवा। सो दिस पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट स्किन जो कि एक्सपोज सर्फेस ऑफ द आई बॉल को कवर करती है इट इज़ नोन एज द कंजक्टिवा। This membrane is termed specifically as the bulbular conjunctiva, which is directly continuous with a similar one lining the lids. जो आई का जो बल्ब्स है जो आगे को निकला हुआ है इसके, इसलिए हम बल्बुलर कंजक्टिवा कहते हैं। और इट इज़ कंटिन्यूस विद द आईलिड्स, आईलिड्स को भी कवर करती हुई ये एक स्किन की लेयर होती है और लाइनिंग करती जो लिड्स की उसको हम कहते हैं पैल्पीब्रल ब्रल कंजक्टिवा। तो जो पैल्पीब्रल कंजक्टिवा है दैट इज कंटिन्यूस विद द स्किन सर्फेस विद स्किन ऑन द सर्फेस ऑफ द लिड्स, लिड्स के ऊपर, क्योंकि जब वो कंजक्टिवाइटिस होता है तो लिड्स भी पूरी लाल हो जाती है और आई बॉल का जो वाइट वाला हिस्सा है वो भी लाल हो जाता है। तो दिस कंजक्टिवा जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो मेम्ब्रेन वाइट को हिस्से को कवर करे हुए वो तो बल्बुलर कंजक्टिवा कहलाती है और ये कंटिन्यूस होती है लिड्स के साथ। जो आई की जो लिड्स हैं जहाँ पर आपकी लैशेज उगती हैं उनको हम कहते हैं पैल्पीब्रल कंजक्टिवा। ओके, तो ये इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है पर एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब बर्ड्स की जो आई है दैट एग्जिबिट एन अनयूजुअल पिगमेंटेड एंड हाईली वेस्क्यूलर फैन लाइक प्लेट द पेक्टिन। बल्ब की जो आईज हैं बर्ड्स की उनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पेक्टिन। ये पेक्टिन क्या है ये इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज पेक्टिन। ये आपको दिख रहा है एक कोनिकल सा स्ट्रक्चर दैट इज़ बेसिकली अनयूजुअली पिगमेंटेड एंड हाईली वेस्क्यूलर फैन लाइक प्लेट। ये फैन लाइक प्लेट दिख रही है आपको, दिस इज़ कॉल्ड द पेक्टिन। ये सिर्फ बर्ड्स की आईज में पाई जाती है एंड इट इज़ अटैच टू द रेटाइना नियर द ऑप्टिक नर्व। ये देखिए ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल रही है रेटाइना में उसके पास ही अटैच होती है और
विट्रस चैम्बर में एक्सटेंड करती है, लेंस के जो पीछे वाला चैम्बर है उसमें एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो पिगमेंट ऑफ द पेक्टन, ये पेक्टन के जो पिगमेंट हैं ये क्या करते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका क्या उपयोग है, ये क्या करते हैं, ये मिनिमाइज करते हैं उसकी ग्लेयर को, किसकी, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो आसमान में उड़ रही हैं, आसमान में डेफिनेटली रोशनी ज़्यादा है, तो उसका जो ग्लेयर, उसकी जो चमक पड़ती है उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं विद इन द आई बाय एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द एंटरिंग लाइट रेज। जो इतनी सारी लाइट रेज बर्ड्स में, क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली फ्लाइंग नियर दी, आसमान के पास में फ्लाई करती रहती हैं, तो सन से ज़्यादा करीब हैं, तो उनके पास, और पानी में जैसे सन की रोशनी पड़ रही है तो उसकी भी एक चमक आती है, और कई कई सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो समुद्री बर्ड्स हैं, उनमें पानी की चमक, पानी में लाइट पड़ते ही अलग तरीके से चमकती है, तो उस ग्लेयर को, उस चमक को कम करने के लिए ये जो है ये क्या करता है, जो इतनी सारी लाइट रेज प्यूपल से एंटर कर रही है ना अंदर बर्ड की आई में, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये पेक्टिन जो है दैट इज़ सिग्निफिकेंट इन द आईज ऑफ बर्ड्स। इसका क्या काम होता है ये मैंने आपको बता दिया कि ग्लेयर को, जो चमक है डिफ्रैक्टिंग सर्फेस से पड़ रही है, कांच की चीज़ों से पड़ रही है, हम तो फिर भी अपनी आईज़ को वैसे करके बचा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को बचाने का मौका नहीं होता, तो इनके अंदर नेचुरली एक पेक्टिन नाम की चीज़ पाई जाती है जो मैक्सिमम लेयर्स आईज़ की में एंटरिंग लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करके कम से कम लाइट रेज को रेटिना पे पड़ने का वो करती है। चेंजेस इन प्रेशर विद इन द आई बॉल ब्रॉट बाय ऑल्टरेशंस इन थिकनेस ऑफ द लेंस मे बी कंपनसेटेड बाय वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन ऑफ द आर्टरीज। अब ये प्रेशर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं आई बॉल में, दैट इज़ ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय थिकनेस ऑफ द लेंस। मैंने आपको बताया था लेंस की थिकनेस जो है दैट इज़ वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन के द्वारा ऑल्टर होती रहती है, तो उसको भी ये काम करती है कम करने का, ठीक है। रेप्टाइल्स जो हैं दे हैव मच स्मॉलर कॉनिकल प्रोजेक्शन एट सम लोकेशन, सेम लोकेशन पर रेप्टाइल्स के अंदर बहुत छोटा सा कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, जैसे बर्ड्स में आपने देखा वो काफ़ी बड़ा होता है, रेप्टाइल्स में छोटा होता है। तो वर्टिब्रेट्स विच लिव इन डार्क प्लेसेस, जो वर्टिब्रेट्स डार्क प्लेसेस में रहते हैं, जैसे कि केव ड्वेलर्स हुए, समुद्र की सतह पर रहने वाले हुए, सैलामेंडर्स हैं, मोल्स हैं जो बिलो में रहते हैं, इनमें क्या होता है, डिजेनरेटेड आईज ऑफ देयर आईलिड्स मे फेल टू ओपन आफ्टर बर्थ, दे हैव डिजेनरेट आईज ऑफ देयर आईलिड्स विच मे फेल टू ओपन आफ्टर बर्थ, और ये इसीलिए इतना देख नहीं पाते हैं। हैगफिशेस और सम एनिमल मैमल्स में आई बॉल मसल लेंस एंड कोट्स फेल टू डिफ्रेंशिएट, इसको हमको इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ मैमल और वर्टिब्रेट के आईज़ में एक थोड़ा सा डिस्टेंस डिफरेंस पता होना चाहिए कि कुछ जो डार्क प्लेसेज में रहते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बर्ड्स की आईज़ में क्या चीज़ होती है, रेप्टाइल्स की आईज़ में क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा एक बेसिक उसका आइडिया हमको होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट दी सेंस ऑर्गन आई, इसमें आपको पीडीएफ मैं इसके साथ भेज दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं, ओके।